हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी यस वी वर स्ट्रगलिंग टू गेट दी दी नेटवर्क डन बिकॉज देर वाज नो नेटवर्क फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड हे भगवान नेटवर्क दे दो मेरे सुपरस्टार्स मेरा वेट कर रहे हैं और आप जानते हैं आपका प्यार मुझे यस yes, ये नेटवर्क दे दिया तो चलिए आज बहुत छोटा प्यारा नन्ना सा चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट तो फर्स्ट फेज क्यों कहते हैं अर्ली फेज क्यों नहीं कहते हैं जी एक ही बात है या मॉडरेट फेज क्यों नहीं कहते हैं हां आप इसका नाम मॉडरेट फेज भी कह सकते हैं ये वो फेज है हमारे देश की आजादी की लड़ाई का नेशनल मूवमेंट का जी जब हमारे देशवासी अभी अंग्रेजों से लड़ने के लिए सीख रहे थे हमने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिता दिया है और उसके बाद का ये फेस है हमने फर्स्ट लड़ाई आजादी की की हम उस पर जीत नहीं पाए और हमने आगे की तैयारी अब कर दी है तो जो अब अर्ली नेशनलिस्ट हैं ये इनकी कहानी है तो आप पूछेंगे सर ये अर्ली नेशनलिस्ट कौन होते हैं मॉडरेट कौन होते हैं तो अर्ली नेशनलिस्ट वो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो ग्रुप ऑफ लीडर्स हैं जिनका मानना था कि ब्रिटिश सिस्टम गलत नहीं है ब्रिटिश सिस्टम बल्कि हमारे देश के लिए फायदेमंद है इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स न्यायपूर्ण हैं जस्टिस करने वाले लोग हैं और वह देश का भला कर रहे हैं कई सारे हमारे देश के सोशल इवल्स सामाजिक बुराइयों को भी वो दूर कर रहे हैं उनके द्वारा दी गई वेस्टर्न एजुकेशन देश के लिए बेनिफिशियल है ऐसा मानने वाले लोग थे ये अर्ली नेशनलिस्ट तो ज्यादातर ये पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे प्रोफेशनल्स हुआ करते थे लॉयर्स बैरिस्टर्स टीचर्स ऑफिशियल्स तो ज्यादातर ये वो लोग थे जिनका वेस्टर्न थॉट था दे वर इंस्पायर्ड बाय द वेस्टर्न थॉट्स। अब आप बोलेंगे कौन थे कुछ एग्जांपल्स डब्ल्यू सी बोनर्जी वोमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस राज बिहारी बोस सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आरसी दत्ता दादा भाई नेहरू जी गोपाल कृष्ण गोखले जस्टिस राणाडे सुब्रमण्यम अय्यर आनंदा चरूला हा बहुत सारे ऐसे नाम है जो शुरुआत में आप देखेंगे कि मॉडरेट्स के रूप में जाने गए क्यों उनको अर्ली नेशनलिस्ट फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बोला गया इसके पीछे भी एक कारण है क्योंकि जब ये फेज शुरू हुआ तो यहां पर जो लीडर्स थे ये बहुत जेंटल वे में पोलाइट वे में थ्री पीस के मेथड से प्रेयर प्लीडिंग्स और पेटिशंस के मेथड से अंग्रेजों तक तो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे इन लीडर्स को इन कांग्रेस के लीडर्स को मॉडरेट्स कहा गया ये अंग्रेजों के बिलीवर थे ये ओपन माइंडेड लोग थे हाँ, ये ये भी बिलीव करते थे कि ब्रिटिश सरकार सही है लॉयल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ध्यान दीजिएगा और कई बार ये कह चुके हैं स्टेटमेंट देखिए आई एम लॉयल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज लॉयल्टी बिकॉज लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इज आइडेंटिकल टू लॉयल्टी टू माई ओन पीपल देखा इनकी सोच इनकी विचारधारा ये अंग्रेजों के प्रति वफादार थे और इनका मानना था कि अंग्रेजों के प्रति वफादारी मतलब भारत से वफादारी तो लीगल वे में हां ये चाहते थे कि हमें हमारा लीगल शेयर हमारा कानूनी हक मिले हम कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रहते हुए हम कानून के दायरे में रहते हुए ब्रिटिश सरकार को चलने देना चाहते हैं कभी भी इन्होंने आजादी की मांग नहीं की याद रखिएगा हाँ हा, इनको आजादी नहीं चाहिए थी इनको चाहिए था होम रूल विद इन द ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश भी रूल करते रहे और हमारे देश में क्या हो हमें अपनी सरकार बनाने का भी अनुमति मिल जाए ब्रिटिश कहीं जाए नहीं यही रहे देखा अगर ये रहते तो मुझे लगता है कभी देश आजादी नहीं हो पाता पर ये न रहते से सुनिएगा ये न रहते तो शायद देश भी आजाद नहीं हो पाता क्योंकि ये शुरुआती फेस था अगर यहीं से लड़ाई करना शुरू कर देते अंग्रेजों के साथ तो शायद अंग्रेज बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते और उनके इसी मेथड्स को क्या करते हैं यही ब्रेक डाउन कर देते अब 1907 एक ऐसा पीरियड आएगा जब ये जो मॉडरेट्स में से कुछ लीडर ऐसे निकलेंगे या कुछ नए नौजवान आ जाएंगे जहां ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जाएगा. कांग्रेस के लोगों में बंटवारा हो जाएगा सूरत स्प्लिट नाम का एक सेशन जाएगा. तो क्या है इनका मैथड बहुत डिटेल में समझते हैं याद रखिएगा इट इज एज पर लेटेस्ट सिलेबस ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो इनके मैथड्स को कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स कहते हैं हाँ. कानूनी मैथडे कानून का पालन करने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है इनका एजिटेशन करने का तरीका विरोध करने का तरीका भी न्याय के अंदर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ये स्लो ऑर्डरली प्रोग्रेस कर रहा था अर्थात कभी भी कभी भी ये लड़ाई लड़कर बड़ा आंदोलन करके और बड़े मास मूवमेंट को यस आम जनता को जोड़ करके सबको लेके साथ करने वाला मूवमेंट नहीं चाहते थे इनका सोच सिर्फ इतना था कि हम क्या करेंगे अपनी मांगों को लेटर्स लिख करके पेटिशंस बना करके रिक्वेस्ट बना करके ब्रिटिशर्स को भेज देंगे ताकि वो हमारी बात मान लें आप जानते ही हैं अंग्रेज तो जानते हैं उनके कानों में तो जू रेंगता है नहीं वो तो सुनने वाले हैं नहीं इनकी इनको टरकाते रहते थे और ये लोग क्या करते थे सिर्फ लेटरबाजी लेटरबाजी जानते, लेटर जानते हैं ना बस चिट्ठी से शिकायत करना कि हमारी ये मांगे पूरी कर दो या बहुत ज्यादा होना तो बार बार क्या करना रिक्वेस्ट के लिए पहुंच जाना ऊपर हो मिलने के लिए तो प्रेयर प्लीडिंग पेटिशन यही मैथड थ्री पी जिससे कहते हैं यही मैथड ये, ये लोग अपनाते थे जबकि इनके मैथड्स को हाँ इनके मैथड्स को तो डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको दो हेडिंग में मिलेगा फर्स्ट सेट ऑफ मैथड की बात करते हैं क्योंकि ये ज्यादातर पढ़े लिखे लोग थे एजुकेटेड क्लास के लोग थे तो आप जानते ही हैं ज्यादा एजुकेटेड होना भी जानते हैं थोड़ा सा समस्या पैदा कर देता है तो टू द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इनका मेन मकसद क्या था लोगों को जागरूक करना लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में बताना लोगों का नेशनल पॉलिटिक्स के प्रति जागरूकता फैलाना कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर पैदा करना और एक कॉमन एक यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन देश प्रेम का एक ओपिनियन सारे राष्ट्र में एक विचार हो ऐसा विचार पैदा करना इसके लिए उन लोग क्या करते थे समय समय मीटिंग्स करते थे मीटिंग्स में भाषण देते थे हाँ, आए दिनों मंच पे खड़े होकर के भाषण देते थे ये लोग प्रेस का यूज करते थे न्यूज़पेपर में सरकार के सरकार की गलत नीतियों का रॉन्ग पॉलिसीज का विरोध करते थे क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को और क्या करते थे समय समय पे सरकार को मेमोरेंडम भेजते थे पेटिशन भेजते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि यह गलतियां आपसे हुई हैं यह कानून आप बदल दीजिए या या में नहीं है कृपया तो यह रिक्वेस्टबाजी डिमांडिंग बहुत प्रेशराइजिंग हाँ, वाले मेथड्स कि आंदोलन कर देंगे और जनता को आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे आपके खिलाफ बगावत कर देंगे ऐसा मेथड कभी नहीं करते थे बहुत मैंने कहा ना डाउन रिलैक्स रिलैक्स कूल कूल कंट्रोल कंट्रोल समझ गए इनका मेथड ये था आइए सेकेंड मेथड क्या था इनका पहला मेथड तो आपने देख लिया जब बाद में इनको लगा अर्ली नेस्ट लिस्ट को कि ये कुछ संख्या में बढ़ चुके हैं तो उन्होंने अपने मेथड्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए पब्लिक किसकी पब्लिक ब्रिटिश की पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया ब्रिटिश की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया पहले मेथड में तो वो इंडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे ठीक है दूसरा मेथड क्या था कि सरकार किसकी अंग्रेज सरकार को वहां पर जाकर के ब्रिटेन में जाकर के और या तो ब्रिटिश के लोगों को अंग्रेज नागरिकों को बताना कि क्यों भारतीयों के लिए नियम कानून बदलने की जरूरत है उन्होंने थ्री पीस का इसके लिए इस्तेमाल किया मैंने पहले ही बताया याद करने के लिए आपको आसान रहेगा पेटिशन डालना मतलब रिक्वेस्ट डालना प्रेयर करना मतलब मनाना रिक्वेस्ट करना और प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना किसके आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे ठीक है सरकार को अंग्रेजों की सरकार को इंडियंस की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना और क्या करते थे कभी कभी इन लोग क्या करते थे कमिटी फॉर्म कर देते थे ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई इसमें इसमें समय समय पे क्या किया गया पब्लिक यस पब्लिश किया गया क्या चीज इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है इंडियंस की जानकारी इंडिया के बारे में जानकारी देने के लिए न्यूज में छापा गया कहां के के में में ब्रिटेन के में, ताकि वहां की पब्लिक वहां की जनता हम भारतीयों के साथ थोड़ा सहानुभूति दिखा सके देखिए देखिए इनका मेथड कहां है यहां के लोगों को नहीं ब्रिटेन के लोगों को जाकर के वहां की सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भारतीयों के साथ अच्छा बिहेव करो भारतीयों के साथ क्या करो मिलके के हाँ, मिलके साथ में रहो ऐसा मनाने की कोशिश और तो और समय समय पर लीडर्स का एक डेप्यूटेशन जाता था क्या करने ब्रिटेन में ये लीडर्स वहां जाकर के अपनी बात मनाते थे जैसे इनमें सबसे पॉपुलर थे दादा भाई नेहरू जी दादा भाई नेहरू जी के बारे में हम लोग डिटेल में भी, भी पढ़ने वाले हैं जिनको कई बार ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है देखना चाहते हो आओ दादा दादा भाई नेहरू जी के दर्शन करा देते हैं हाँ ये एक महान पारसी लीडर थे दादा भाई नेहरू जी द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो दादा भाई नेहरू जी और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन हम जो तीन लीडर्स पढ़ने वाले हैं जो आज के चैप्टर में हैं सबके दो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको याद करने हैं मैं आपको तीन कॉन्ट्रीब्यूशन बताऊंगा आपको याद सिर्फ दो करने हैं ठीक है हम बताएंगे तीन आपको याद करने होंगे सिर्फ दो तो दादा भाई नेहरू जी सिलेबस में क्योंकि दो दो ही है कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है एनी टू याद कर सकते हैं दादा भाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है पारसी लीडर थे मुंबई में बॉर्न हुए थे ईयर ऑफ बर्थ याद करने की कोई जरूरत नहीं है ये एक महान प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स थे और प्रोफेसर कहाँ के थे एफिलस्टन कॉलेज मुंबई आज भी है ये कॉलेज याद रखिएगा और बाद में ये चले गए इंग्लैंड में और वहां पर उन्होंने क्या किया बॉम्बे एसोसिएशन फॉर्म किया the organization the early organization that he founded was bombay organization association इन्होंने एक न्यूज़पेपर का एडिट भी किया नाम था राष्ट्र गोफ्तर इनके द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया गया नाम है राष्ट्र गोफ्तर जो एक पारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीकर ऑफ ट्रुथ सच बोलने वाला राष्ट्र गोफ्तर इनकी एक मैगजीन भी थी नाम था धर्म मार्ग दर्शक देखिए नाम से पता चल रहा है धर्म का मार्ग बताने वाली आइए इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को जाने दादा भाई नेहरू जी के तीन कॉन्ट्रीब्यूशन बताऊंगा दो याद करने हैं पहला कि दादा भाई नेहरू जी को भारत का एंबेसडर माना गया इंडियन एंबेसडर एंबेसडर मतलब राजदूत भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए हाँ, इनको माना गया क्योंकि वे इंग्लैंड में जाकर के हमारे इंडियंस की प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश को बताना ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना ये काम करते थे कैसे करते थे 1865 में एक लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई देखा इतने नॉलेज वाले बंदे थे इतने पढ़े लिखे बंदे थे तो वहां पर उन्होंने डब्ल्यू सी बैनर्जी फुल फॉर्म है वोमेश चंद्र बनर्जी के साथ क्या किया इंडियंस की प्रॉब्लम्स को पब्लिसाइज किया इंडियंस की समस्याओं को ब्रिटिश के सामने बताया कैसे बताया इस संस्था के द्वारा बताया इंडियन लंडन इंडियन सोसाइटी और क्या किए ये पहले भारतीय बने पहले इंडियन देखिए बड़े गर्व की बात है पहले इंडियन बने जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस के मेंबर बन गए ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है अरे हमारे देश में लोकसभा होती है ना वहां पे क्या होता है लोकसभा नाम नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स है तो हाउस ऑफ कॉमन्स वहां की लोकसभा के पहले इंडियन बहुत बड़ी बात है है हाँ ना भारतीय नागरिक होने के बावजूद वहां पर चुनाव जीत गए एक तरह से लोकसभा का आइए दूसरा रोल जाने इनका दूसरा रोल क्या था इनका रोल कांग्रेस में क्या था देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में बनाया गया आपको बताना है यू आपको बताना है जो मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हां दादा भाई नेहरू जी नहीं थे बता दे रहा हूं प्लीज आपको बताना है टाइप करिए अभी द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है मैं जानता हूं आप में से बहुतों को पता है पता है तो प्लीज टाइप क्या करो क्योंकि तभी टू वे संबंध बन पाता है मैं वेट करूंगा आपके हर एक कमेंट का और पर्टिकुलरली हर एक कमेंट को जवाब दूंगा ये बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है हाँ नन्ना सा चैप्टर है जल्दी फिनिश हो जाएगा तो दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस में बहुत एक्टिव रोल किया मैं आपको एक बड़ा रोल बताता हूं जो यहां नहीं लिखा है मैंने दादा भाई नेहरू जी ने ही इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन हा पहले इसका नाम यह था दादा भाई नेहरू जी ने इसका नाम चेंज करवाया और दादा भाई नेहरू जी स्वयं इसके प्रेसिडेंट भी बने हाँ, 1886 में वो प्रेसिडेंट बने 1893 में प्रेसिडेंट बने 1906 में बने तीन बार वो प्रेसिडेंट बने और क्या किया अपने प्रेसिडेंट होने पे? जब ये प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के तो क्या किया इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट हमारा होम रूल हो बाइकॉट हो स्वदेशी हो ऐसे बड़े बड़े रेजोल्यूशन पास कराए और एक बहुत बड़ा काम कराया नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी बनवाई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इन्होंने अंग्रेजों से पास करवाई एक बहुत बड़ा काम था एक बहुत बड़ा और काम क्या किया पहली बार स्वराज मांगने वाले व्यक्ति थे स्वराज मतलब होता है होम रूल हमें अपना राज्य चाहिए यह बोलने वाले कांग्रेस के पहले सबसे बड़े लीडर थे इसका इन्होंने क्या किया पहली बार इस्तेमाल किया इन्होंने अपनी स्पीच में कांग्रेस की स्पीच में 1906 में इन्होंने गवर्नमेंट से पहली बार फर्स्ट टाइम इससे पहले आज तक किसी मॉडल लीडर ने होम रूल नहीं माना था स्वराज नहीं मांगा था स्वराज मांगने वाले पहले लीडर थे ठीक है इसीलिए इनका इतना नाम भी है और क्या किया इन्होंने ये तीसरा है मैंने कहा था आपको दो याद करना है आप कोई भी दो याद कर सकते हैं मैंने तीन का तीनों बता दिया आपको तीसरा बताने जा रहा हूं इन्होंने अंग्रेजों की जो बुराइयां थी इकोनॉमिक बुराइयां इकोनॉमिक हिल्स मतलब देश को अंग्रेज खोखला करते जा रहे थे आर्थिक रूप से मनी के टर्म्स में देश को कंगाल कर रहे थे कैसे कर रहे थे इन्होंने इन्होंने इसके लिए बुक्स लिखा इन्होंने बताया क्लियरली इन्होंने एकदम क्लियर कट लिख दिया कि भारत गरीब है और गरीब बनाने वाले हमारे ये इंडिया को अंग्रेज है क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट लिया है एक्सप्लॉइट कर दिया है हमारे देश के रिसोर्सेस को हमारे देश का बेनिफिट लिया है उन्होंने क्लियर कट लिखा अपने क्योंकि बहुत ही महान इकोनॉमिस्ट थे बहुत ही ज्ञान ज्ञान वाले प्रोफेसर थे इन्होंने एक बुक लिखी नाम था पावर्टी एंड रूल इन इंडिया इस बुक में उन्होंने क्लियर कट लिख दिया कि किस तरीके से अंग्रेजों ने चला की हमारे देश को इकोनॉमिकली पुअर बना दिया देश को आर्थिक रूप से गरीब बना दिया इनकी एक थ्योरी और भी है जिसे ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं ड्रेन मतलब होता है आ, सारी चीज को अपने देश ले जाना ड्रेन एक तरह से बहा के ले जाना होता है तो भारत के सारे रिसोर्सेस सारे फायदे को कौन ले गए अंग्रेज अपने बेनिफिट के लिए ले गए इस तरह से कैसे देश कंगाल हुआ कैसे देश की वेल्थ ब्रिटेन के पास चली गई यह सब इस थ्योरी में लिखा हुआ है तो इससे अंग्रेजों के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता फैली लोग जाग गए लोगों को पता चला कि किस तरह से अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं आइए तो इस तरह से देखा जाए तो अर्ली नेशनलिस्ट बुरे नहीं थे क्यों भली मेथड्स कैसे भी रहे उनके पर लोगों में जागरूकता पैदा करना लोगों में अंग्रेजों के प्रति नफरत नाराजगी को डेवलप करना एक पब्लिक ओपिनियन एक देश प्रेम जगाना यह बहुत बड़ी बात थी उनकी हाँ दूसरा बड़ा नेशनलिस्ट लीडर आ रहा है जी श्री गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले को हाँ इनको कई बार पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी बोला जाता है हाँ गांधी जी के गुरु है ये गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे जी इनको चलिए गोपाल कृष्ण गोखले जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में पैदा हुए थे ये भी एक महान देखा शुरुआत के सारे कांग्रेस के लीडर्स सब सब कहीं ना कहीं प्रोफेशनली बहुत हाईली एजुकेटेड थे उनमें से ये भी है ये भी एक प्रोफेसर थे पे थे फर्ग्यूसन कॉलेज आज भी है ये कॉलेज पुणे में, में बता दे रहा हूं फर्ग्यूसन कॉलेज में थे प्रोफेसर जो कि पुणे में है और इन्होंने जस्टिस राणाडे हा एम जी महान लीडर थे हमारे देश में ये न्याय न्या, जस्टिस थे इन्होंने एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी किन्होंने जस्टिस राणाडे ने डेकन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी इसमें उन्होंने इसका साथ दिया था ये उसका पार्ट बन गए थे ये उनकी सर्विस करना चाहते थे ये कई बार इंग्लैंड भी गए किस में गए वेल्बी well कमीशन के पास गए और वहां पर इनको एक टाइटल दी गई क्या सी आई चैंपियन ऑफ इंडियन एम्पायर सी आई ई क्योंकि ये इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने हम भारतीयों के बारे में हमारी परेशानियों के बारे में ब्रिटिशर्स को बताया इस वेलबी well कमीशन के सामने गोखले जी को वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सबसे प्रसिद्ध नेता माना गया और ये जब बनारस आए हां मैं हूं वाराणसी से जहां से ये वीडियो आप देख रहे हैं लाइव हाँ मेरा आप जो टेलीकास्ट देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं तो ये वाराणसी से ही है और वाराणसी में जब कांग्रेस की मीटिंग हुई एनुअल नेशनल मीटिंग हुई कांग्रेस की 1905 में तब ये कांग्रेस के लीडर थे उस समय प्रेसिडेंट थे उस समय कांग्रेस के कांग्रेस का आज भी ये चलन है हर एक साल के एंड में क्या होता है कांग्रेस की सेशंस बुलाए जाते हैं वैसे सारे लीडर्स इकट्ठा होते हैं और तब गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर में वाराणसी में बुलाया गया था आइए इनके तीन कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो मैं बताने जा रहा हूं आपको याद सिर्फ दो करने हैं पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इन्होंने अंग्रेजों को मनाया इतने अच्छे लीडर्स थे इतने एजुकेटेड लीडर थे कि इन्होंने अंग्रेजों को समझाया मनाया क्या मनाया कि आप रिफॉर्म्स करो इंडिया में क्या बदलाव कर सकते हैं जैसे उन्होंने विरोध किया ब्रिटिशर्स का क्या विरोध किया जब ब्रिटिशर्स ने बहुत खर्चे शुरू कर दिए अपने आर्मी पे, तो उन्होंने इसका विरोध किया अपनी आर्मी में फालतू खर्चों को रोकने के लिए उनको कहा उनको समझाया कि देश में भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी भेदभाव मतलब काले गोरे का भेदभाव लोग बहुत करते थे अंग्रेज जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेज हमसे नफरत करते थे पता है कि नहीं आपको इंडियंस को ब्लैक्स एंड डॉग्स कहते थे इंडियंस के साथ रहना नहीं पसंद करते थे हमसे दूर रहते थे हमसे नफरत कर... हमारे ही देश में रह रहे हमारा ही खाना खा रहे थे अंग्रेज और हमसे भेदभाव करते थे तो उन्होंने समझाया इनको कि अरे भैया ड्रेस ये जो काले गोरे का भेदभाव कर रहा है ये अच्छा नहीं है देश आपसे नाराज हो जाएगा और तो और इन्होंने अंग्रेजों को इस बात का भी विरोध किया कि इन्होंने कॉटन पे टैक्स लगा था कॉटन के बिना सोचे खादी बन पाएगी कपड़ा बन पाएगा शर्ट्स बन पाएंगी नहीं बन पाएगी तो उन्होंने इसका भी विरोध किया तो ये थे पहले कुछ आ, कुछ इश्यूज कुछ मैटर जिसपे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और क्या किया उन्होंने अंग्रेजों के यस अंग्रेजों के जब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन ले गए तब भी उन्होंने क्या किया अंग्रेजों को समझाया इन्होंने अंग्रेजों के सामने एक प्ली रखी प्ली मतलब होता है एक जोरदार तरीके से रिक्वेस्ट रखी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में बदलाव किए जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में पंद्रह मेंबर होते हैं कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल में पंद्रह मेंबर्स होते हैं इनका इनका ये इनको हेड बनाया गया तो इनको इन्होंने समझाया अंग्रेजों को कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया जाए अर्थात लॉ कोर्ट को और एग्जीक्यूटरी को मतलब ऑफिशियल्स को क्या कर दिया जाए अलग अलग कर दिया जाए इन्होंने ही सिखाया क्या चीज कि रोल ऑफ पैसेज ऑफ मौ, मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स ये एक कानून है मिंटोमॉरली रिफॉर्म्स ये रिफॉर्म्स इनकी वजह से पास हो पाए जिसमें देश के लिए बहुत सुधार आया देश में एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत चेंजेस आया इस कानून के तहत और क्या किया इन्होंने ये एक इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे ये क्या होता है जो जो कमीशन क्या करता है देश में सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करता है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन्होंने इंडियन लोगों को हायर सर्विस जिसका आईसीएस सर्विस होती है ना उसमें इनके पद देने के लिए इनको मेंबर बनाया गया और जब ये इंग्लैंड गए इंग्लैंड गए तो वहां की गवर्नमेंट को वहां के पॉलिटिशियंस को बताया कि भारत में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था 1905 में वह सही नहीं था क्या उसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला था यह उनको उन्होंने समझाया और उन्होंने महान काम किया बहुत बड़ा काम किया वो था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाना हाँ ये बहुत बड़ी और एक महान संस्था है यह भी ये फाउंडर है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये फाउंडर है इस संस्था का नाम इसी के नाम से पता चल रहा है देश के सेवक सर्वेंट ऑफ इंडिया भारतीय समाज के सेवक ये उनकी सोसाइटी थी कब बनाया 1905 में बनाया मैंने कहा था इसी साल वो बनारस आए थे वाराणसी आए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस और इस सोसाइटी का मेन क्या था लोगों को ट्रेन करना क्या करना लोगों को ट्रेन करना ताकि वह देश का लीडरशिप संभाले मेरे जाने के बाद इनके जाने के बाद नए लीडर कैसे आएंगे तो नए लीडर को ट्रेनिंग देना नए युवाओं को ट्रेन करना ताकि वो नेशनल लीडर बन सके उनको एजुकेट करना उनको देश सेवा के लिए प्रेरित करना लोगों के लिए के अंदर देश प्रेम जगाना ये चाहते थे और क्या कहते थे क्या किया इन्होंने श्रीनिवास शास्त्री और हृदयनाथ कुंजरू ये इनके महान लीडर्स थे जो आके नेशनलिस्ट लीडर बन गए और क्या किया तीसरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इनका तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर चुने गए मैंने बता दिया ये वो काउंसिल होती है जो वॉइस रॉय को देश के जो वॉइस रॉय होते हैं है ना उनको ये क्या करती है असिस्ट करती है उनको उनका सलाहकार होता है पंद्रह मेंबर इसके अंदर होते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले को 1902 में इसका मेंबर बनाया गया जो कि बहुत बड़ी बात है ना? जो रॉय को राय वॉइस देश को चलाता है जो ब्रिटिश हेड जो ब्रिटिश लीडर जो देश को चलाता है इन्होंने क्या किया इस काउंसिल में रिक्वेस्ट किया सॉल्ट टैक्स को कम करने के लिए और एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन गुड्स अपनी बात पर ये टिके रहे कॉटन के प्रोडक्शन का खर्च कम किया जाए उसका एक्साइज ड्यूटी बनाने का खर्च कम कर दिया जाए ताकि लोगों के पास कॉटन और सॉल्ट आसानी से पहुंच सके उन्होंने टॉल टैक्स का भी विरोध किया टॉल टैक्स मतलब नाका नाका मतलब होता है जब कोई एक शहर से दूसरे शहर से जब गुड्स आता है तो नाका लगता है टॉल लगता है देखा टोल प्लाजा होता है ना जहां पे गाड़ियां रुकती है ट्रक और गाड़ियां रुकती है ना तो उसका टैक्स बहुत ज्यादा हुआ करता था इन्होंने उसको कम कराने की कोशिश की ताकि गुड्स के लाने ले जाने में क्या हो टैक्स कम लगे और तो और इन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी कर दीजिए ऐसा कानून लाइए पर ऐसा हो नहीं पाया मैं बता दू ट्राई किया उन्होंने कि देश में सबके लिए प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो जाए जो कि आज हमारी गवर्नमेंट कर पाई है राइट टू एजुकेशन नाम के कानून से पता है कि नहीं आपको हमारे देश में कानून है राइट टू एजुकेशन टू तहत 2009 का कानून है सोचिए तब यह बनाना चाहते थे कानून जब 1902 चल रहा था और मैंने कहा अभी जाके 2009 में यह कानून पास हुआ है तो प्राइमरी एजुकेशन देश में आज कंपलसरी हो चुकी है यह उस समय बेचारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे और क्या किया क्योंकि ये खुद बहुत ज्ञान वाले व्यक्ति थे इकोनॉमि थे देश में चाहते थे कि फिस्कल पॉलिसी फिस्कल मतलब होता है सरकार की जो टैक्स की पॉलिसी थी उसको कम किया जाए जितने मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरी दी जाए ताकि देश में बेरोजगारी दूर हो तो कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बहुत बदलाव लाने की कोशिश की और क्या किया लैंड रेवेन्यू जिसको हम लगान कहते हैं या लैंड टैक्स कहते हैं लैंड टैक्स को भी रिड्यूस कराया गवर्नमेंट को मजबूर किया कि किसानों पर लैंड टैक्स कम करें एक इंटरेस्टिंग जानकारी फिर से दे दूं कि जब गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने याद किया गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका एक ब्रिटिश एक इंडियन के लिए मुकदमा लड़ने के लिए तो वहां पर साउथ अफ्रीका में गोखले जी गए और वहां पे उन्होंने गांधी जी की मदद की वहां उनको बताया कि क्या गांधी जी मेथड लगा सकते हैं अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जी गांधी जी को टीच करने वहां गए रेशल और गांधी जी को उन्होंने मनाया भी कि आप भारत वापस लौटिए जब वहां मुकदमा खत्म हो गया तो गांधी जी को भारत लाने वाले व्यक्ति भी गोपाल कृष्ण गोखले हैं और गांधी जी ने हमेशा इनको अपना पॉलिटिकल गुरु माना तो अब तीसरे और आखिरी व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आप मिल सकते हैं सुरेंद्रनाथ जी से और शायद जितनी प्रशंसा करूंगा कम है जितने सीधे सज्जन प्रभाव के व्यक्ति दिख रहे हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी उतने ही महान थे शायद मैं जितना बताऊंगा उतना कम होगा थोड़ा सा मैं बता पा रहा हूं क्योंकि बहुत डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एक महान नेशनलिस्ट लीडर थे मुझे लगता है महानतम तो नेशनलिस्ट लीडर थे क्योंकि ये खुद भी एक जर्नलिस्ट थे एक पढ़े लिखे एक एजुकेशनिस्ट थे और ये पहले इंडियन थे मैंने एक बार क्वेश्चन पहले कई बार पूछा भी है कि ये पहले इंडियन थे जिन्होंने आई एग्जाम पास किया जो कि बहुत टफ बहुत टफ एग्जाम हुआ करता था इस एग्जाम को देने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ता था यहां नहीं होता था ब्रिटेन जाना पड़ता था और इंग्लिश में ही एग्जाम देना पड़ता था और ये मैजिस्ट्रेट बन गए थे इस एग्जाम को वो क्वालिफाई कर गए थे भारत में आए मैजिस्ट्रेट बन गए आसाम के बट पर... बहुत जल्दी इनको क्या किया इस पद से निकाल दिया गया या ये कहे इन्होंने इस पद को लाक मार दिया मैजिस्ट्रेट के पद को क्यों मार दिया क्योंकि ये अंग्रेजों का विरोध करने से डरते नहीं थे ये अंग्रेजों की जो पॉलिसी है हां काले गोरे की पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं रेशियल डि डिस्क्रिमिनेशन या रंग के आधार पर रंग भेद उसे कहते हैं ना रंग भेद के आधार पर हमारे साथ भेदभाव करते थे हमारे इंडियन के साथ बहुत बदतमीजी या मिसबिहेव करते थे इन्होंने इसका विरोध किया और इनको निकाल दिया गया अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन देखें ये खुद भी एक बहुत ही महान प्रोफेसर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, जी आइए तो इनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन पहला कॉन्ट्रीब्यूशन दो ही आपको याद करना है पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन क्या करने के लिए अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए इंडियन एसोसिएशन बनाया 1876 में जो जिसका मेन मकसद क्या था लोगों को एजुकेट करना लोगों को जागरूक करना यह बताना लोगों को कि हम सब मिलकर के अगर एक एक विचार रखें तो अंग्रेजों को झुकना पड़ेगा अर्थात देश में एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन सारे लोगों का एक विचार बनाने के लिए अंग्रेजों का वो है विरोध करने का विचार और क्या करना चाहते थे चाहते थे कि देश में जागरूकता फैलाई जाए कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जागरूकता कैसी जागरूकता अपने न्याय की अपने आजादी की अपने पॉलिटिक्स के जानने की अर्थात मुझे मेरा राइट पता होना चाहिए कि मैं वोट दे सकता हूं मैं अपनी सरकार चुन सकता हूं यह लोगों के अंदर क्या किया यह भावना डेवलप की पॉलिटिकल कॉशियसनेस जगाया देश में एकता की भावना जगाई लोगों को एकजुट किया इस इंडियन एसोसिएशन की मदद से और यहीं रुके नहीं वो यहां वो रुके नहीं इन्होंने एक संस्था बनाई जो कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल एसोसिएशन बन गई पूरे भारत की एक ऐसी संस्था जिसका हर एक भारतीय या कहे पूरे भारत के लोग इसमें कहीं ना कहीं जुड़ गए थे और वो संस्था थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1876 में बनाया इंडियन एसोसिएशन उसके बाद 1883 में बनाया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कोलकाता में बनाया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ये संस्था इंडियन लेवल की हर पूरे भारत भर में इसके इसके लोग थे मेंबर्स थे और सबसे बड़ी चीज क्या है यही संस्था आगे जाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको आज कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं 1886 में ये दोनों संस्थाएं इनकी इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी और यह कांग्रेस को और पावरफुल बनाएगी और तो और ये क, दो बार ये दो बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं एक 1895 में और एक टू में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं कांग्रेस के लीडर हैं सबसे बड़े और क्या तीसरा खास बात क्या है इनकी इनकी पॉलिटिकल आइडिया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने एक बेंगोली यस एक पेपर लिखा पेपर का नाम ही है बेंगोली ठीक है एक न्यूज पेपर था जिसके ये एडिटर थे नाम था बेंगोली जो कि लोगों के लिए क्या करता था लोगों के विचार को मोबिलाइज करता था लोगों के अंदर देश प्रेम के विचार को क्या करना था बढ़ाना था इन्होंने एक बुक लिखी थी मेकिंग इन द नेशन क्या है बुक का नाम मेकिंग इन द नेशन जिन्होंने जिस बुक में उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से हमारे भारत के जो पॉलिटिकल कंसर्न है क्या हमारी भारत की चिंताएं हैं और किस तरीके से किस तरीके से हम सेल्फ गवर्नमेंट पा सकते हैं यह यह हमारा ये उनका विचार क्या था देश में होम रूल लाने का सेल्फ गवर्नमेंट लाने का तो तीन तीन कंडीशन तीन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दी सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी पढ़ लिया याद आपको कितना करना है दो तो. तो इस तरीके से आपने पूरा सिलेबस फिनिश कर दिया हाँ, एस पर दी लेटेस्ट सिलेबस पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया मैं स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस स्ट को लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो कर रहा हूं और आपसे भी कहूंगा इसके अलावा कुछ मत करिएगा एंड थैंक यू एंड लव यू प्लीज 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 मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अभी आप अभी आपका प्यार जो लगातार मिल रहा है आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं बट आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं तो अगर मेरे हो सुपरस्टार तो कर दो मेरे ये सारे बच्चों को ये शेयर और थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू कीप शेयरिंग कीप लविंग मी बाय फ्रॉम नाउ